हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। हर रोज की तरह आज फिर से बात करेंगे आपके साथ देओल परिवार को लेकर। दरअसल देओल परिवार से जुड़ी लगातार हर एक खबर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। अब चाहे हेमा मालिनी धर्मेंद्र का अतीत हो, प्रकाश कौर का खुलासा हो, सनी देओल का गुस्सा हो, या फिर करण देओल और उनकी पत्नी की हनीमून की तस्वीरें, हर एक अपडेट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है देओल परिवार को लेकर। वजह, सालों बाद देओल परिवार को एक साथ देखा, उनके एक परिवार की बहुओं को देखा, और अब हर कोई देओल परिवार के अतीत की सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर किसके साथ किसका कैसा रिश्ता था, शादी कैसे हुई हेमा के साथ धर्मेंद्र की, आखिर धर्मेंद्र ने अपना धर्म क्यों बदला, आखिर प्रकाश कौर ने हेमा के साथ धर्मेंद्र की शादी क्यों होनी थी। ऐसे तमाम तरह के सवाल जो जनता पूछ रही है। अब एक और नई अपडेट आ चुकी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर। क्या है ये अपडेट, तो बताते चले आप सबको कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल ये खबर है हेमा मालिनी की प्रेगनेंसी को लेकर, जहां पर किस तरह से धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी हेमा की पहली प्रेगनेंसी को लोगों से छिपाने के लिए पूरा का पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया, और यहाँ पर इस प्रेगनेंसी का सच किसी के सामने ना आए और उनकी पत्नी हेमा को किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को अपने नाम पर बुक कर लिया था। और उसके बाद किस तरह से ईशा देओल का जन्म हुआ, कैसे हेमा मालिनी की डिलीवरी हुई, देखिए ये खास रिपोर्ट। काफी दिनों से चर्चा हो रही है देओल परिवार की। ऐसे में देओल परिवार से जुड़ी जब भी कोई खबर सामने आती है तो हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इसका चलन तब शुरू हुआ जब सनी देओल के बेटे के करण देओल की शादी हुई, और इसी शादी के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा होने लगी। इस चर्चा के साथ लगातार यहां पर सवाल उठने लगे देओल परिवार को लेकर, और देओल परिवार के साथ साथ धर्मेंद्र और धर्मेंद्र के साथ कैसा रिश्ता है सनी देओल का हेमा मालिनी के साथ और प्रकाश कौर के साथ, ये सवाल भी उठने लगे। लेकिन वहीं अब इसी के साथ एक और खबर सामने आ चुकी है। दरअसल ये खबर है हेमा मालिनी की पहली प्रेगनेंसी को लेकर, कि किस तरह से धर्मेंद्र ने हेमा के प्रेग्नेंट होने पर हेमा की प्रेगनेंसी की खबर सभी से छिपाई थी। ईशा के जन्म के दौरान धर्मेंद्र ने पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया था। प्राइवेसी के लिए धर्मेंद्र ने लिया था ये बड़ा फैसला। दरअसल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने सन 1980 में एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे, इस कारण दोनों ने धर्म बदलकर निकाह करने का फैसला ले लिया। सन 1981 में धर्मेंद्र और हेमा अपनी पहली बेटी ईशा की पेरेंट्स बने। आपको बताते चले कि 1981 में धर्मेंद्र और हेमा अपनी पहली बेटी ईशा के पेरेंट्स बने। उस वक्त हेमा की प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था। उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को भी हेमा मालिनी की प्रेगनेंसी की खबर नहीं थी। जब हेमा अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तब धर्मेंद्र ने उनकी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया था ताकि हेमा को शांति मिल सके, उन्हें वहां पर फैंस के आने की टेंशन ना हो और वो आराम से वहां पर रह सके। आपको बताते चले कि फेमस टीवी शो जीना इसी का नाम है के एपिसोड में हेमा मालिनी की दोस्त नीतू कोहली पहुंची थी। इस दौरान नीतू ने कहा कि जब ईशा का जन्म होने वाला था तो किसी को नहीं पता था कि हेमा मालिनी प्रेग्नेंट है। ईशा के लिए धर्मेंद्र ने पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया था। ये लगभग 100 कमरों वाला नर्सिंग होम था। धर्मेंद्र जी ने उस वक्त हॉस्पिटल के सभी 100 कमरे बुक करवा लिए थे। नीतू ने आगे बताया कि उस वक्त स्टार के इस कदम के बारे में किसी को भी नहीं पता था। सब इस बात से अनजान थे कि धर्म जी ने ऐसा कुछ किया है। बता दें कि ईशा का जन्म 2 नवंबर सन 1981 को हुआ था।
पहली प्रेगनेंसी के वक्त हेमा से मिलने आई थी धर्मेंद्र की माँ। जी हाँ, राम कमल मुखर्जी की लिखी गई बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपनी सास सतवंत कौर से मुलाकात के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे वो एक्ट्रेस से मिलने आई थी जब हेमा अपने पहले बच्चे यानी कि एक्ट्रेस ईशा देओल को जन्म देने वाली थी। तब मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए हेमा ने बताया था कि सतवंत परिवार में किसी को बिना बताए ही उनसे मिलने आई थी। हेमा मालिनी ने आगे ये भी बताया था कि धर्मेंद्र जी की माँ सतवंत कौर बहुत दयालु थी। मुझे याद है कि जब मैं ईशा को जन्म देने वाली थी तब वो एक बार मुझसे मिलने जूहू के एक डबिंग स्टूडियो में आई थी। उन्होंने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा खुश रहो हमेशा, मुझे खुशी है कि वो मुझसे खुश थी। इस किताब में हेमा ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया था। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने बताया कि वो कैसे प्रकाश कौर से सोशल गैदरिंग के दौरान मिली थी। हालांकि शादी के बाद हेमा मालिनी ने प्रकाश कौर से पूरी दूरी बनाने का फैसला ले लिया था। हेमा मालिनी ने किताब में लिखा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र जी ने मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया मैं उससे खुश हूँ। उन्होंने एक पिता होने का पूरा फर्ज निभाया है जैसे कोई भी पिता निभाता है। मैं इसी में बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जो भी किया वो बहुत बड़ी बात थी। हेमा मालिनी ने आगे अपनी बुक में लिखा कि आज मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। मैं अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम हूँ क्योंकि मैंने अपना जीवन कला और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे लगता है अगर स्थिति इससे थोड़ी सी भी अलग होती तो वो नहीं होती जो वो आज है। यहाँ तक कि मेरी बेटियाँ भी धर्मेंद्र के परिवार का सम्मान करती हैं। दुनिया मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती है लेकिन ये दूसरों को जानने का हक नहीं है कि आखिर हम दोनों परिवारों का रिश्ता कैसा है या फिर हम दोनों परिवारों के बीच की सच्चाई क्या है। जी हाँ, तो ये है पूरी खबर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी की प्रेगनेंसी को लेकर, जहाँ पर किस तरह से धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए पूरा 100 कमरे वाला हॉस्पिटल बुक कर लिया था और इसी के साथ फैसला ले लिया था उन्होंने अपनी पत्नी हेमा मालिनी की प्राइवेसी का। और उसी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी हेमा के लिए ये बड़ा कदम उठाया था और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। तो ये है पूरी खबर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर, जिसका खुलासा हमने किया इस खास रिपोर्ट में। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट हेमा मालिनी की डिलीवरी और ईशा देओल के जन्म को लेकर, जहां पर किस तरह से धर्मेंद्र ने उठाया था बड़ा कदम अपनी पत्नी हेमा मालिनी की प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए ताकि लोगों के सामने उनकी प्रेगनेंसी का सच ना आए और लोग बार बार हेमा से सवाल करके उन्हें परेशान ना करें। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।